हैप्पी होली फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू एंजॉय टाइम कुकिंग। तो होली स्पेशल आज हम बनाएंगे गुजिया। तो होली में तो गुजिया स्पेशल बनता ही है, तो चलिए इसको चालू करते हैं। उसके लिए मैंने मैदा ले लिया, तो 2 कप मैदा हमने ले लिया। तो इसके अंदर अभी हम लोग डालेंगे घी। तो 4 से 5 टेबल स्पून घी, आपके पास घी नहीं है तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ से। अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गीला भी हो सकता है, ज़्यादा पतला भी हो सकता है। डो को अच्छे तरह से, एकदम नरम नहीं एकदम टाइट भी नहीं। चलिए इसको अच्छे से गूंदने के बाद इसको हम लोग ढक के रखेंगे एक गीला कपड़ा से, तो 20 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे। चलिए अभी देखते हैं, इसको अभी 1-2 मिनट के लिए इसको मसल लेते हैं, फिर इसको छोटे छोटे बॉल बना के इसको रख देंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए इसको हमी इसको करने के बाद हम लोग इसको रख देते हैं ढक के। चलिए अभी हम लोग इसको स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए हम लोग खोया लिया है 100 ग्राम। अगर आपके पास खोया नहीं तो आप सूजी से भी बना सकते हैं। अभी हम लोग इसमें देंगे नारियल बुरादा, जो सूखा हुआ नारियल है, आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी दे सकते हैं। और डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, इसके बाद इस इलायची पाउडर डालेंगे। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चलिए मिक्स तो हो गया, अभी इसको साइड में रख देते हैं और जो बॉल बनाया था उसको अभी हम लोग बेल लेंगे। थोड़ा सा पतला करके इसको बेलेंगे, तो पतला में इसका जो है क्रिस्पी भाव अच्छा आएगा। चलिए इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई छोटा सा कुछ है तो उससे कटिंग कर सकते हैं, मैं ग्लास से कर रही हूँ। चलिए इसको कर लिए, तो देख सकते हैं एकदम पतला भी नहीं मोटा भी नहीं। सो अभी हम लोग इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, तो देख सकते हैं जो मिक्सिंग बनाया था स्टफिंग के लिए, तो इसको हम लोग डाल देते हैं। अगर आपके पास इसको बनाने के लिए जो मोल्ड मिलता है आपके पास होगा तो उसको आप कीजिए, नहीं तो आप हाथ से बनाएं। तो मैंने इसमें हाथ से बनाएंगे। तो चलिए किनारे से हम लोग थोड़ा सा पानी इसमें दे दिया क्योंकि आसानी से चिपक जाएगी, तो ऊपर से दूसरा एक दे दिया, कवर करके दिया। चलिए इसको चिपकाएंगे और इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। और डिज़ाइन में आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने ए वाला शेप दिया। चलिए इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। तो मैंने तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे, एक ही बार में ज़्यादा मत डालिए, तो थोड़ा बहुत डालेंगे और बाद में करेंगे। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, पूरा पूरा डीप फ्राई ब्राउन कलर तक इसको फ्राई करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं थोड़ा सा फूल गया है। चलिए इसको पलट देते हैं, तो इसको पूरा का पूरा ब्राउन जब कलर हो जाएगी तो देखते हैं फूला भी है और क्रंची भी है। चलिए इसको अभी हम लोग उठाएंगे, हो गया बस इसको उठाना, उठा के बस इसको खाने का है, इसको देख के अभी खाने का मन कर रहा है। तो चलिए और भी सारा है वो सब बनाएंगे। चलिए बस हो गया है, बस 1-2 मिनट बाद है। और इसमें 1.5 कप जैसा पानी यूज़ करेंगे। चलिए पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और गैस को जलाएंगे। चलिए देख सकते हैं मेरा जो सीरा है बन रहा है, इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि इलायची पाउडर ऐड करने से इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इसको डालने के बाद इस सीरा में डालेंगे 2 से 3 मिनट तक, आप इसमें रखिए फिर इसको उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं सीरा वाला नहीं है तो आप ऐसे फ्राई किया हुआ खा सकते हैं, मैंने सीरा वाला इसलिए बनाया तो मीठा है और भी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको सिर्फ फ्राई किया हुआ उसको इस खाइए। तो चलिए बन गया है मेरा गुजिया, वो मीठा वाला सीरा वाला गुजिया है।
Sound.com.